आंख से कभी कभी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। कुछ ऐसे सितारे भी हैं जिनकी रोशनी से लोग सिमत हासिल करते हैं। पुराने ज़माने में जब इंसान ने कंपस ईजाद नहीं किया था तो अपने रास्ते सितारों की चमक से तलाश किया करता था। पाकिस्तान की शो बिजनेस में भी एक ऐसा सितारा है, एक ऐसा दरख्शां सितारा है जिसकी चमक से आने वाले बेशुमार नए लोग जो हैं वो अपना रास्ता तलाश करते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि हम उस मकाम पे पहुँचें जिस मकाम पे कुदरत ने इस आर्टिस्ट को पहुँचाया। ही टावर्स वेरी हाई व्हेन ही अपीयर्स ऑन सिल्वर स्क्रीन। बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनको इतने अवार्ड्स मिले हैं कि उन अवार्ड्स की तादाद वो शुमार नहीं कर सकते। पाकिस्तान की शो बिजनेस का सरमाया, वी आर प्राउड टू हैव हिम इन आवर शो, और ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि वो इस शो का एक हिस्सा है। उन्होंने आज तक कभी किसी कमर्शियल शो में कोई अपीयरेंस नहीं दी, ये हमारी खसूसी दरख्वास्त थी जिसके लिए वो तशरीफ लाए। और अब ये वो जगह है जहाँ पता चलता है कि आप लोग आर्टिस्ट से कितनी मोहब्बत करते हैं। 30 साल उन्होंने, 32 साल आपकी खिदमत की, मुख्तलिफ रूप में आपने उनको देखा और आज आपकी वो मोहब्बत का रूप भी देखेंगे। ख्वातीन हज़रात, द सुपर स्टार ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, द वन एंड ओनली अदाकार नदीम। शुक्रिया मोइन, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, ये हमेशा जब भी मुझे शो में बुलाते हैं मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि मुझे खुद तो यकीन नहीं आता। वो इसलिए मेरी तारीफ करते हैं कि खुद बहुत बड़े फनकार हैं हमारे मुल्क के और हमारा सरमाया है और हमें फख्र है। इट्स अ ग्रेट टैलेंट। शुक्रिया। अब 15 मिनट मैं भी आपकी तारीफ करूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आपने कर दी है। ऐसे टाइम करते हैं ना, 5 मिनट आप मेरी तारीफ करें फिर मैं आप। नदीम साहब को जब कहा कि आप शो में चलिए तो कहने लगे मोइन मैं तैयार तो हूँ लेकिन मैं करूंगा क्या। मैंने कहा जो कुछ करवाना है हम खुद करवाएंगे, आप चलिए तो सही। एंड इट इज सो नाइस ऑफ हिम के ये यहाँ पर आए। नदीम साहब, कुछ याद है अब तक कितनी फिल्मों में काम किया आपने? मोइन कोई 200-250 फिल्में तो हो गई पूरी तरह याद नहीं, लेकिन इतनी तो हो गई। इन फिल्म में आप क्या समझते हैं, जो 250 फिल्में हैं ये औलाद की तरह होती है एक आर्टिस्ट के लिए? बिल्कुल। और कोई औलाद ज़्यादा पसंद होती है जिससे ज़्यादा प्यार होता है? आपको इन औलादों में से कोई ऐसी औलाद है जो ज़्यादा पसंद हो? कोई औलाद तो औलाद ही होती है, और वो अगर नालायक भी निकले तब भी उससे उतनी मोहब्बत होती है। आप मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हैं? आपके तरफ क्योंकि बहुत सी मेरी बुरी फिल्में भी हैं, कुछ बेहतर भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं। मुझे उनमें से जो चंद फिल्में जो बेहतर लगी हैं उसमें आईना है, दहलीज है, लाजवाल है, सौगात है, चकोरी तो ऑफकोर्स मेरी बुनियाद है, चकोरी की वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है, सुना है कि आप शेर खुद लिखते हैं, खुद कहते हैं शेर? नहीं, वही मैं शायद नहीं हूँ, शायरी से मुझे दिलचस्पी है, कभी कभी एक आध शेर यूं ही कह लेता हूँ। तो वही तो मैं चाहता हूँ, आप अपना कोई शेर सुनाइए, किसी और का नहीं, अपना शेर खुद कहा हुआ। अच्छा, मैं सुना देता हूँ, अगर कोई शायर यहाँ मौजूद हो तो माजरत के साथ, इसलिए मैं शायर नहीं हूँ, शायरों को पढ़ा है तो थोड़ा बहुत शौक है, कभी कभी एक आध शेर कह लेता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक शेर कहा है, मैंने कहा है कि एक उम्र हो चली है तुम्हें भागते नदीम, एक उम्र हो चली है तुम्हें भागते नदीम, एक उम्र हो चली है तुम्हें भागते नदीम, बैठो जरा सी देर जरा सांस भी तो लो। वाह, बैठो जरा सी देर जरा सांस भी तो लो, कहीं सांस भी तो लो। और एक और शेर मैं सुनाता हूँ हम जैसे लोगों के लिए जो लोगों का दिल बहलाते हैं। हम जैसे तो क्या मतलब, आप तो खैर आप अलग है। ओके। शेर यह है कि खुद अपनी जात में तन्हाइयां समेटे हुए, खुद अपनी जात में तन्हाइयां समेटे हुए, खुद अपनी जात में तन्हाइयां समेटे हुए, हर एक बज्म की हम रौनकें बढ़ाते हैं। वाह वाह, हर एक बज्म की हम रौनकें बढ़ाते हैं।
थैंक यू बेग साहब. अगर मैं ऑफ हैंड आपसे कहूं कि थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाएं. नहीं मोइन, ये नहीं, मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि वो होता ये है कि खास माहौल होता है, वो स्टूडियो होता है, डायलॉग लिखे हुए होते हैं. सर मैंने आपको पिछली दफे भी कहा था कि ये मुझसे मत करें, क्योंकि मैं शोज में वैसे भी नहीं जाता हूँ. मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए हम लोग जो है एंटरटेनर हैं, हमारा काम लोगों को एंटरटेन करना. आई नो मोइन, लेकिन मैंने आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट किया था, पिछले शो में भी आपने मेरे साथ यही किया, ये गलत है. मैं नहीं कर सकता, आई एम हियर टू डू समथिंग, मगर मैं एक्टिंग नहीं कर सकता. तो इसमें अगर आप थोड़ा सा एक्टिंग कर देंगे तो इसमें क्या हर्ज नहीं मोइन. देखिए जो हमारा काम, देखिए हमारा काम तो यही है ना. प्लीज मोइन, आई नो कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन इस तरह नहीं होता, उससे खास माहौल होता है. आप समझते क्यों नहीं है, पिछले शो में भी आपने मेरे साथ यही किया. मैं आपकी इज्जत करता हूँ, यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर. नहीं मोइन, आई कांट डू इट. मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं कर सकता. अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम ही कर लेते हैं. तो फिर आप कर ले, वही मुझे क्यों बुलाया लोगों के सामने, यही करवाने के लिए बुलाया था. क्यों नहीं देख साहब, प्लीज आप. अब मैंने ऐसी तो कोई बात की नहीं थी जिस पे बुरा मान के चले गए. चलिए मैं ताली बजाइए ताकि शायद इन्होंने कहा एक्टिंग करके दिखाएं, वो भी दिखा दिया, और ये हमेशा मेरा साथ देते हैं. यार एक्टिंग कर रहे मेरी जान तो क्या करता मैं, मेरी जान निकाल दी और एक्टिंग कर रहे यही एक्टिंग होती है, और ये इनकी मोहब्बत है कि मेरा साथ देते हैं और मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं. पाकिस्तान के बड़े लोगों में इनका शुमार होता है, और मैं इनको बड़ा मानता हूँ इसलिए कि इनको अल्लाह ताला ने बड़ा बनाया है, और जिसको बड़ा बनाया है उसने उसकी बात मानना चाहिए, वरना ये अल्लाह ताला से जिद वाली बात होती है. हम आपका बड़ा रिगार्ड करते हैं, क्योंकि इज्जत और जिल्लत ये सिर्फ परवरदिगार. बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया कि आप थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. और इतनी देखिए इन्होंने मुझसे डायलॉग भी बुलवा लिए, एक्टिंग भी करवा दी, शेर भी सुनवा दिए, और आप लोगों के पास आकर इतना अच्छा लग रहा है मुझे. मुझे बरसों पहले भी कहा गया था शोज में आने के लिए, लेकिन काम की मजबूरी की वजह से मैं शोज में आ नहीं सका. लेकिन अब शोज में जब मैं कर रहा हूँ पहली बार अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, मैं पहले कभी शोज पे नहीं आया, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं क्या मिस कर रहा था. ये जो मोहब्बत है, ये खलूस जो आप लोगों का फर्स्ट हैंड मिलता है, ये बाकी मैं मेरा दिल चाहता है कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था. बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, मैं आ गया और जो कुछ मैं कर सकता था कर दिया. अब मोइन साहब और आप सारी तालियों में नदीम साहब को रुख्सत करते हैं. थैंक यू सर.